तालीमी मैदान में तेजी से तरक्की करने वाली बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी को महाना लाखों रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। बगैर किसी टेंडर या नेशनल टैक्स नंबर के बगैर यूनिवर्सिटी कैंटीन मनपसंद अफराद को अलाट कर दी गई। बगैर किसी कवायद जवाबित के अलाट करदा कैंटीन से गैर मियारी अशिया की फरहमी की भी शिकायत आला हुक्काम ने आंखें बंद कर ली। यूनिवर्सिटी में कैंटीन के क़याम का मकसद न सिर्फ तुलबा को मुनासिब दानों मियारी खाने पीने की अशिया फराहम करना होता है बल्कि इदारे की आमदन में इजाफा करना भी होता है। मगर बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने चंद पैसों की लालच में आंखें बंद करके यूनिवर्सिटी में अकरबा परवरी शुरू करके माहाना लाखों रुपये नुकसान पहुँचाकर यूनिवर्सिटी का मेयार गिराना शुरू कर दिया है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक रोड़ी में वाकई बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में अकरबा परवरी का बाजार गर्म हो गया है। यूनिवर्सिटी के आला अफसरान की जानिब से चंद पैसों की लालच में कवायद जवाबित के बरखिलाफ कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट बगैर किसी टेंडर बगैर किसी इश्तहारात के मनपसंद अफराद को अलाट कर दी गई है, जिसका खामियाजा न सिर्फ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल से वाबस्ता तुलबा और स्टाफ को महंगे दामों गैर मियारी अशिया की खरीदारी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है बल्कि यूनिवर्सिटी को माहाना मिलने वाले किराए की अदम वसूली की सूरत में पेश आ रहा है। बाखबर जराए के मुताबिक यूनिवर्सिटी में वाकई कैंटीन और हॉस्टल में वाकई कैंटीन एक ही शख्स को बगैर किसी फीस की अदायगी और बगैर किसी टेंडर के अलाट की गई है, जिसकी मंजूरी भी आला अफसरान ने दे दी है। यूनिवर्सिटी कैंटीन किसको किन शरायतों जवाबित और कितने किराए पर अलाट की गई है ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी हुक्काम से बात की गई, जिन्होंने बताया कि टेंडर किया गया था मगर टेंडर होल्डर छोड़कर चला गया, जिसके बायस एमरजेंसी में दूसरे बंदे को फिलहाल कैंटीन अलाट की गई है।